ओके सो हे दे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू वन ऑफ द गेम ब्रदर्स। आज के वीडियो में हम लोग दुबास करने वाले पोकेमॉन फायर रेड रॉकेट एडिशन को। तो जैसे कि लोग जानते होगा कि लास्ट एपिसोड में हमने किया था साइड मिशन, जो कि गैंग के बीच की लड़ाई थी जो हमने सुलझाई थी। सो या आज के वीडियो में हम लोग फिर से साइड मिशन करेंगे, इसमें के साइड मिशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिलहाल तो मेरे पोकेमॉन्स फेंट है, पर उससे पहले तुमने बताया था कि मुझे एक ने कमेंट किया था कि विरेडियन सिटी में एक ग्रैंट है, उससे बात करो, फिर वो पोकेमार्ट में स्टॉल करेंगे तो हमें इवोल्यूशन स्टोन्स मिलेंगे। लाइक ये तो काफ़ी अच्छी बात है, तो ठीक है हील करके चलते उधर ही तुरंत ही। ओके चलो अब हील हो चुके हमारे सारे पोकेमॉन मस्त टकाटक, तो अब चलते हैं। और कहाँ था यार ग्रंट कहाँ? अरे एक सेकेंड, इधर इतने सारे ग्रंट्स, यही है क्या? यू कांट बी अ रियल रॉकेट इफ़ यू and ever dropped nothing before. Let's get this show on the road. ऐ मतलब कहाँ चलना है? पोके मार्ट में ही चले क्या? ये लोग भी शायद पोके मार्ट की बात करें। द रॉकेट विथ अ बाउंटी ऑन हिम फॉर, वो भाई इतने सारे 1,00,000, ठीक है चलें क्या? तो अरे तुम लोग फालतू की बातें मत करो, हाँ चलो चलते हैं। ओह लेट्स गेट हिम बॉयज, फॉलो अस। ओके आ गए, मेरे को बस स्टोन्स से मतलब है यार, मुझे स्टोन्स चाहिए। वैसे मैं इन लोग का बॉस होना चाहिए क्योंकि मैं एग्जीक्यूटिव हूँ। ऑल राइट लेडीज जेंटलमैन, एवरीबॉडी डाउन ऑन द फ्लोर, दिस इज़ अ रॉबरी। ओ भाई पोकेमॉन भी इन लोग ने निकाल दिया। इफ़ यू ऑल वुड जस्ट स्टे कूल एंड रिफ्रेन फ्रॉम एनी रैश मूव्स, नोबडी हैज़ टू सफर एनी हार्म, ही वेल नथिंग टू बैड एनी वे। गबर यू रन अप टू द काउंटर एंड गेट द गुड्स, वेल मेक श्योर नो बडी ट्राइज एनी फनी बिजनेस इन द मीन टाइम। ओके तो बस इससे चुराना है हमें। आई कांट बिलीव दिस इज़ हैपनिंग, माई मैनेजर ट्रेंड मी फॉर दिस सिचुएशन यू नो। ऑल राइट बॉब डू एज दे थॉट यू गॉट अ क्वेल डैट फियर, रीच इन टू द एमरजेंसी ड्रॉवर, गेट दोज एयर मार्क्ड पोकेबॉल्स एंड वाह आई एम स्कैर्ड। वो भाई बैटल ही करने लगा, ठीक है आ जाओ भाई करते हैं। वो भाई पहला ही पोकेमॉन इलेक्ट्रिक टाइप वाला। सो हाँ अरे यार मैंने राजा को अब तक वो अटैक नहीं सिखाया, इसलिए राजा डिग अटैक सीख सकता है, मेरे पास है TM पर मैंने सिखाया ही नहीं, मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ। डॉक्टर रियो को भी राजा हरा देगा, सर्फ है भाई। मैं सोच रहा हूँ राजा के इधर से सर फटा दूँ, पता नहीं क्यों इतना खास नहीं रहेगा। ओके चलो हरा दिया। और स्टील पोकेमॉन करे, इसका कौन सा पोकेमॉन स्टील करे, सभी फालतू है। ठीक तब भी चलो गोल बैट चुरा लेते हैं और बस देखते हैं अब क्या है। लेट्स टीच दिस गाइस अ लेसन रेडिगेट, हाँ सीधा मार दो इसको। हाँ प्लीज डोंट हर्ट मी, लुक वी डोंट हैव मच इन स्टोरेज बट आई कैन गेट अस यू सम ऑफ द प्रीमियम आइटम्स वी कीप फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर। ओ मतलब मेरी बात कर रहा है। वेल हरी इट द हेल अप देन एंड डोंट फॉरगेट टू बी टू एम्प्टी दैट कैश रजिस्टर टू। हे गब्बर सिंस यू हैंडल दैट लिटिल फनी मैन ओवर देयर, आई लेट यू हैव योर शेयर फर्स्ट, टेक एनी टू आइटम्स यू वॉन्ट मैन, वील शॉर्ट आउट द रेस्ट। ऑल राइट दिस इज ऑल द प्रीमियम्स वी हैव, ओके स्टील विच। ओके भाई साहब यार मेरे को देखो, मेरे पास कौन सा पोकेमॉन है, थंडरस्टोन की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा रायचू है पहले से और 15 फुल रिस्टोर्ड बहुत अच्छे होंगे, पर मुझे ये नहीं चुराना। फायर स्टोन ज़रूरत है तो फायर स्टोन चुराएंगे हम लोग ऑब्वियसली। एंड अरे जल्दी देना एक और ना। सो वाटर स्टोन की भी हमें ज़रूरत है, वाटर स्टोन भी हम चुराएंगे। हो गया, अरे यार मुझे लीफ स्टोन भी चाहिए था। जॉय गेट आउट गेट योर फास्ट ओवर हियर एंड हेल्प मी विद द रेस्ट। वेल देन Pleasure doing business with you, little sissy face. You make sure to write your manager a report so he knows
जस्ट हाउ मच योर एमरजेंसी ट्रेनिंग हेल्प यू टूडे वॉन्ट यू एडियोस। ओके चलो ये लोग तो चले गए और मैं पॉकेबॉल क्यों खोला, इससे बात करें एंड हियर आई ऑलवेज सॉट रॉब। भाई साहब इससे तो आप चुरा नहीं सकते यार, मुझे पर लीफ स्टोन भी चाहिए। अरे ये लोग इधर क्या कर रहे हैं, वो ड्यूड टॉक अबाउट अ हाइस्ट, आई वंडर व्हाट माय बाउंटी राइज टू वंस दे रिपोर्ट दैट ऑपरेशन। ओ द बैडर द बेटर रीजन दैट राइट गब्बर, वेल इन्जॉय योर शेयर ऑफ द लूट जेंटलमैन, हा 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 अंटिल आर पाथ्स अक्रॉस अगेन। चलो हमें चलो फाइनली मिल तो गया यार वाटर स्टोन फायर स्टोन, पर यार मुझे एक और स्टोन चाहिए। तुम्हें पता है क्या लीव स्टोन कहाँ मिलेगा, अगर पता हो ना तो बता दो। हाँ वर्मिलियन सिटी जाना है कि फ्यूशिया, हाँ फ्यूशिया ही तो जाना है। चलो यार ये मिशन तो काफ़ी सही था, पर मुझे पता भी नहीं ना मैं अपनी टीम में कौन से पोकेमॉन रखूँगा। गाइस तुम लोग बताना कि कौन से टीम में पोकेमॉन रखना चाहिए जिस हिसाब से मैं उनको दे दूँ स्टोन ना, सही रहेगा फिर। और फिलहाल तो आई थिंक हमें नेक्स्ट मिशन के लिए यही घर में जाना है आई गेस। ओके इधर कुछ हो रहा है, यू नो जूनियर यू शेप्ड अप टू बी क्वाइट द एबल फिशरमैन, हाउ प्राउड आई एम सीइंग यू विद दैट रॉड क्लच्ड एक्सपेक्टली इन योर हैंड्स ऑर्सियर फिश कैचिंग डिटर्मिनेशन इन योर आइज इट्स बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। आई थिंक इट्स फाइनली टाइम आई लेट यू इन ऑन आर फैमिली सीक्रेट। ओ गी डैड वॉट काइंड ऑफ सीक्रेट इज दैट, आई प्रोमिस आई वॉन्ट टेल यू टेल एनी वन द सीक्रेट बिहाइंड वॉट मेक्स आर रॉड सो गुड वाई इट विल फॉर एवर बी द एनवी ऑफ माई यंगर ब्रदर। यू सी जूनियर इट्स रियली क्वाइट सिंपल, द हैंडल ऑफ अ गुड रॉड इज वन वी कल्टिवेट फ्रॉम द फाइनेस्ट ग्रेड आइलेक्स फॉरेस्ट वुड, वी मेक द लाइन फ्रॉम अ स्पेशल टाइप ऑफ एक्स्ट्रा ड्यूरेबल नाइलॉन एंड देन राइट एट द पॉइंट ऑफ द हुक वी पुट जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ फार्माक्यूटिकल ग्रेड कॉनकेन सो दैट द फिश। जूनियर इट्स अनदर वन ऑफ योर्स अंकल स्पाइस ट्राइंग टू एवर ड्रॉप्स ऑन आर बेस्ट केप्ट फिशिंग सीक्रेट्स, गेट हिम, आई नो हाउ टू डील विद बैड गाइज लाइक यू, आई वॉन्ट लेट यू रूइन दैट्स फिशिंग बिजनेस। एक तो यार ये लोग बताओ ऐसे खुले में बातें कर रहे हैं, मैं सुन लिया पीछे से सब कुछ। और ये शायद बंदा रहता है, अगर तुमने पोकेमॉन फायर रेड खेला होगा तो तुम्हें पता होगा ये बंदा हमें गुड रॉड देता है, और इसके शायद भाई लोग रहते हैं जो कि ओल्ड रॉड देता है, एक गुड रॉड देता है, तो एक सुपर रॉड भी देता है। तीन भाई है, और मैं थंडर शॉक क्यों किया बाय द वे, और मेरा गेम इतना लैगी क्यों हो रहा है पता नहीं क्यों। पर चलो हमने इसको हरा दिया जूनियर को, जूनियर के ऐसे तैसे तुरंत ही हरा दिया। बच्चे लोग को भेज देते हैं यार स्टील अपंगमोन, अरे क्या बच्चे से पंगमोन चुराया, रहने दो। आई न्यू इट दैट डेव्यूस ब्रदर ऑफ माइन इज सेंडिंग क्रूक्स ऑन मी टू स्टील माय सीक्रेट्स, आई वॉन्ट स्टैंड फॉर इट वन मिनट। लुक मैन आई एम जस्ट अ हम्बल एंटरप्रेन्योर ट्राइंग टू प्रोवाइड फॉर माय ओनली चाइल्ड, माय ब्रदर ही लैक्स द स्किल्स एंड इमेजिनेशन टू मेक अ डिसेंट रॉड हिमसेल्फ, सो ही ट्राइज टू स्क्वीज मी आउट विद फोर्स इंस्टेड। द सीक्रेट यू ओवरहर्ड इफ माय ब्रदर फाइंड्स आउट ही'ल हैव मी बैंकक्रप्ट इन नो टाइम, यू हैव अ हार्ट इन देयर सम वेयर डोंट यू बैंट इट, कैन यू प्रॉमिस not to tell my brother about my secret? No, I knew it. It's a dog eat dog world out there, isn't it? Well, I hope my brother pays you well for spying. Come on, Junior.
भाई साहब वो हम क्यों करें यार, हम लोग तो बताएंगे यार, क्या पता वो हमें पैसा दे देना। सही बात है। और इसका बच्चा चला गया लगता है। आई विल नॉट लीव, आई विल नॉट हैव यू इनसाइड माई हाउस बाय लीव अस। ओ ठीक है, चलो भाई इसका धंधा ख़त्म करेंगे यार। चलो बताते हैं ना सबको, कहाँ है इसके बाकी के दोस्त। एक कहाँ रहता था यार, मैं भूल गया। आई थिंक मेरे को फुशिया सिटी से ही जाना पड़ेगा उसके पास। इधर ही तो था जहाँ पे स्नोलैक्स होता था, उधर ही कहीं है। इधर से जाऊँगा ना आई थिंक बहुत लंबा पड़ेगा और बैटल्स हो सकती हैं। मैंने इन लोग को शायद हराया है, मैं एक बार ऑफलाइन में आया था तो आई गेस ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें। हमने हराया था जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था। तो ठीक है अब चलते हैं ऊपर। और ये रहा फाइनली घर मिल गया हमें। तो चलो चलते हैं इस घर में और बताते हैं उसका सीक्रेट। ओ मैन डैट वॉज वन बिग मैजिका। हु बेटर राइट इट डाउन सो आई डोंट फॉरगेट। एक सेकेंड, इसने कुछ हमसे किया नहीं। वट, इधर कुछ लिखा है क्या? ये बुक पड़ा है इधर। डियर डायरी, आई हैव एट लास्ट मैनेज टू परफेक्ट द फॉर्मूला फॉर क्रिएटिंग द मोस्ट सुपर रॉड नोन टू मैन। इट विल आउट परफॉर्म बोथ ऑफ माई ब्रदर्स रॉड बाय अ माइल एंड नो ट्रेनर्स हु ट्राइज इट विल एवर गो बैक टू यूजिंग अनदर। द रॉड इज मेड फ्रॉम स्टर्डी बट रेगुलर मटेरियल्स, फ्रिम ग्रिप, फास्ट एक्शन। इन एडिशन आई इन्फ्यूज इट्स हुक एंड सिंकर विद द ऑर्डर ऑफ अ फीमेल गैरडोस, बिकॉज गैरडोस एज एनी फिशरमैन नोज इज द सी पोकेमॉन विद द ग्रेटेस्ट अपील ऑफ ऑल। इट हो नो दैट्स थिंग दैस प्राइवेट, आई नो हु यू आर। भाई मैंने इसका भी सीक्रेट वैसे जान लिया है। सो मैंने दो लोग का जान लिया। यू आर दैट स्पाई द फिशिंग गुरु सेंट ऑन माई ब्रदर इन फ्यूशिया। डैन इट, ही वॉन्ट मी अबाउट यू। वेल यू आर नॉट गेटिंग अवे दैट ईजीली दिस माइंड। आई डिफेंड माई रॉड टिल माई लास्ट ब्रेथ। भाई तेरी ऐसी ऐसी, जानता भी है कौन मैं? एग्जीक्यूटिव हूँ। ग्यारोज लेके घूम रहा है, ग्यारोज लाग या कोई भी पुमला अपना रायचू सबको हरा देगा। सबके पास तीन ही पुगमोन क्यों है? वैसे इसके पुगमोन इवॉल्व थे, इसका पुगमोन चुराते हैं ग्यारोज। हालांकि मैं रखूँगा नहीं, या रखूँ क्या? बोल दो तुम लोग रखना चाहिए कि नहीं। निक नेम नहीं देना। चलो यू इविल लिटिल, आई विल हैव माई ब्रदर इन कोर्ट फॉर दिस। वैसे तेरे ब्रदर ने तो नहीं भेजा था। वेल आर यू हैप्पी नाउ स्पाई? आई विल कम। तो क्या करना है अब हमें, कौन से ब्रदर के पास जाना है अब हमें? आई गेस ना हमें वो जो तीसरा वाला है ना उसके पास चलना चाहिए। तो तीसरा वाला मुझे पता है वर्मिलियन सिटी में, वर्मिलियन सिटी का है गेरा। ज़्यादा दूर नहीं था, पास में ही है। तीनों भाई पास में ही रहते हैं, पर अगर तुम फायर एड खेलोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि बहुत लंबा रास्ता लगता है उनके पास पहुंचने में। और ये रहा आखिरी बंदा। विल 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 माई रॉकेट स्पाई, डिड यू मैनेज टू गेट अ होल्ड ऑफ सम ऑफ माई ब्रदर्स सीक्रेट्स? ओ मी, ओ माई, टेल मी मोर। गॉश वाई डिड आई नेवर थिंक ऑफ दैट। मुहा, नाउ आई नो नो बडी कैन चैलेंज माई स्टेटस ऑफ एज द फिशिंग गुरु। थैंक्स to you, but I can stay on top of my fishing game yet. Accept my gift for a job well done, Rocket. I fished it up from deep down way back before my brother. क्या खजाना दे रहा है क्या? Entered this business, I tell ya. Gabbar obtained blue flute. What? यही देगा तू? हाँ, what were you expecting? A rod? Ha ha ha. Why you are already got surf? What the hell do you need a rod for? भाई ये बंदा कितना चलाक था, मैंने इसकी मदद की और dude are you serious? इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। गंदा है यार ये, बिल्कुल गंदा है। छी छी छी, हट यार, इतनी मदद किस लिए किया मैं इसकी? हालांकि इसने मुझे बोला तो नहीं था, मैं अपने से ही गया था पहली जगह पे, पर शायद ऐसा सीन था कि मुझे पहले उसके ही पास जाना था फिर इनके पास आना था, पर मैं पहले इसके पास चला गया। सो अब क्या बोलेगा ये?
आई विल नॉट हैव यू इनसाइड माई हाउस आई लीव अस। अरे ब्रो मैं क्या करूँ यार, उसने ही कर दिया यार गंदा काम, मैं क्या बोलूँ। सो अब हमें क्या करना चाहिए यार, मैं सोच क्या रहा हूँ ना, चलो इधर फाइनल मिशन भी कर ही लेते, ये आखिरी हमारा होने वाला है गेम का मिशन, मतलब स्पाई मिशन, स्पाई मिशन नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, ये होगा हमारा साइड मिशन। हाँ तो ये आखिरी है, इनसे तो बैटल नहीं करने। और देख रहे हो तुम लोग, पहली बार हम लोग किसी जिम में घुस गए, नहीं तो जाने नहीं देते हमें। सो हम लोग कोका के पास आ गए, ये हमारा लास्ट साइड मिशन। फा 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 रॉकेट द वेरी टाइप आई नीड राइट नाउ, आई मस्ट रिक्वेस्ट योर असिस्टेंट फॉर एम्पल कॉम्पेंसेशन ऑफ कोर्स। वॉरियर्स ऑफ द डार्कनेस सच एज यू एंड आई, वन इन निंजास रॉब्स एंड वन इन अ जंप सूट ऑफ स्पैंडेक्स, लेट अस यूनाइट आर पावर टू अ कॉमन कॉज, व्हाट से यू? वेरी वेल, हियर इज माई सिचुएशंस यंग वन, द सफारी जोन वार्डन रन्स अ प्रमोशन फॉर हिज सफारी गेम्स, ट्रेनर्स कम इन टू प्ले एंड इफ दे रीच हिज सीक्रेट हाउस दे विन एन HM सर्फ, द वेरी मूव माई बैज ग्रांट्स देम लाइसेंस टू यूज माइंड यू, सी द ट्रबल इज नो बड़ी विनिंग, दैट ओल्ड कैपिटलिस्ट हाइड दिस हाउस आउट इन सम ऑब्सक्योर कॉर्नर दैट दिस सॉरी ट्रेनर्स नेवर स्टैंड चांस ऑफ फाइंडिंग बिफोर द डिंग डोंग साउंड गोज, एंड वॉट इज द रिजल्ट यू आस्क? दैट नो बडी वॉन्ट्स टू चैलेंज माई जिम एनी मोर, इफ दे कॉन्ट गेट दैट कोवेटेड HM टू सर्व द सी वाई दे सी नो रीज़न टू ट्राई फॉर माई बैज, प्रिपोस्ट्रेस आई कैन हार्डली डिफेंड अ जिम वेन इट हैज़ नो कॉज फॉर डिफेंडिंग, सो रॉकेट फाइंड दैट सीक्रेट हाउस, स्नैच योर सेल्फ द लार्जेस्ट बॉक्स फुल ऑफ HMs यू कैन होल्ड एंड ब्रिंग इट हियर, वी विल सेट अप आर ओन मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आई हैव मैनी वेज टू रीपे यू फॉर योर एफर्ट्स, वरी नॉट। ओके चलो जिम लीड, अरे अभी नहीं हुआ क्या? नाउ एज मास्टर ऑफ कॉन्क्लेमेंट एंड दिस गाइज आई हैव ट्रिक्स अप माई स्लीव्स, टेक दिस विथ यू, एम्प्लॉय कार्ड। ओके सो क्या हम लोग अब आराम से जा सकते हैं? ठीक है चलो, हो गया काम ख़त्म, अब आखिरी मिशन भी कर लेते। वैसे मैं सोच रहा था पहले दो ही मिशन करके वीडियो एंड करते हैं, पर कि क्यों करना यार, काफ़ी छोटे छोटे मिशन थे यार, फिशरमैन वाला वो मिशन, तो चलो आज का वीडियो लंबा ही कर लेते हैं, तुम्हें भी ये होपफुली मज़ा आए। तो या तो वार्डन के हमें घर में जाना है ना, सो वार्डन तो यही है, सो इसके पास चलते हैं और देखते हैं। व्हाट डू यू वांट किड? हे यू आर वन ऑफ दोज रॉकेट पंक्स फ्रॉम द TV, स्क्रैम आई वॉन्ट नो एसोसिएशन। ए वॉट, तो अब क्या करूं मैं? ओके मुझे पीछे से इसको धक्का देना था यार, मैं कब से सोच रहा हूँ मुझे करना क्या है। द वार्डन्स टीथ पॉप्ड आउट ऑफ द हिज माउथ, ही फूफू हाँ फॉलो ही। तो भाई साहब इसके दांत निकाल दिए, सो ये इतना बोल रहा है, गोल्ड टीथ है भाई, सोने का दांत लगवाया बंदे ने। ओह मुझे ये कहानी याद है, जब हम लोग पोकेमॉन फायर रेड खेलते हैं ना, तो ये सीन होता है कि इसका दांत चोरी हो जाते हैं, फिर हम लोग शायद सफारी जोन में जाते हैं और उधर ही मिल जाते हैं हमें। और ये क्या हुआ? डू ट्रीज ऑब्स्क्योर, अब ये कौन है? अरे यार ये फिर आ गया, ये बंदा पैसे लेता है यार बहुत ज़्यादा ट्री कट करने के, पर हमें कट करना पड़ेगा शायद तभी हम लोग जा पाएंगे। चल यार कट कर दे, तू भी आया उधर के, कितना ले रहा है? 1000, चलो कोई ना ले ले यार, अजीब बंदा है यार, पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाता है। हाँ चल निकल यार, तू मेरे को अपना काम करने दे, तू निकल जा, नहीं तो तेरे पे गुस्सा लग रही मेरे को। ओके चलो ये तो गया, और इधर सारे पोकेमॉन से मैं सोचा हम लोग दूसरे साइड से भी जा सकते थे, फिर मैं सोचा हमारा पैसा बर्बाद हो जाता अभी, पर नहीं, चलो सफारी जोन के अंदर, और शायद एम्प्लॉय कार्ड से हम लोग आराम से जा सकते हैं। फॉर जस्ट यू प्ले सफारी के, हे आई विल बी डैन इफ आई हैवेंट सीन दैट यूनिफॉर्म बिफोर, वेट वी व्हाट दैट यू गॉट देयर, ओ इट्स वन ऑफ आर एम्प्लॉयज़ आईडी, सो यू आर जस्ट पासिंग थ्रू
True to feed the Pokemon or something, eh? You know, I've never seen your face here before, have I? And that uniform you got? Say, let me just call the warden to make sure nothing fishy going on. Don't mean to be paranoid, it's just produce. Hang on a second. Okay, अच्छा हमने उसका दांत निकाल लिया ना, तो अब वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, तो हमें समझ जाएगा अब. हे वार्डन, इज इट नथिंग मच टू डू बॉदर यू सर. सी आई वॉज जस्ट वॉन्डरिंग, डू यू नो, डू यू हैव अ पिंक हेड यंग ड्यूड विथ अ पजामस लुकिंग आउटफिट, रेड आर अक्रॉस हिज चेस्ट, नेम ऑफ मोहम्मद मोहम्मद स्मिथ, वर्किंग हेयर एट द सफारी जोन. वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा ना, ही वो कर रहा है, वो फिर ये समझेगा नहीं, तो हमें ये अब जाने देगा. अच्छा इसीलिए हमने उसका दांत निकाला. लुक वार्डन सर, आई कांट हियर अ वर्ड यू आर सेइंग, कुड यू स्पीक अ बिट क्लियर? वॉट आई कैन लेट यू आर गेटिंग वर्कड अप बॉस, बट आई कांट, दिस इजंट वर्किंग. ठीक है यार, दे दे यार, अब हमें डायरेक्ट जाने दे. लुक आई कांट अंडरस्टैंड अ वर्ड डैट ओल्ड सेनिल इज सेइंग टुडे, यू नो, यू सीम्स लेग्ड इट इनफ टू मी पैल, कम ऑन थ्रू, मेक श्योर दोज चांसेस स्टे एक्स्ट्रा फैट. हाँ हाँ हाँ. सो अब हमें जाने तो मिल गया है सफारी जोन में इजीली. सो अब बजर नहीं बजेगा हमें, तो बजर नहीं बजेगा तो हम लोग आराम से घूम सकते हैं. फिलहाल तो मुझे घूमना नहीं, हमें मिशंस करने, तो चलो यार डायरेक्ट मिशन तरफ चलते हैं. और इधर पोकेमॉन्स भी काफ़ी आएंगे, पर हमें वो भी नहीं पकड़ना, क्योंकि मैं इस गेम में बस वही पोकेमॉन पकड़ता हूँ जो कि मुझे चुरा के. भाई इसमें का स्टोरी काफ़ी सही था, जैसे हम लोग ने पहले उससे बात किया, उसने हमें कोगा से बात किया, फिर उसने हमें वो दिया एम्प्लॉय कार्ड दिया, फिर उसके बाद हम वो लीव स्टोन मिल गया. नाइस, हमें सारे स्टोन मिल गए. अब मैं अपने पोकेमॉन को इवॉल्व करूँगा. बस तुम लोग एक चीज़ बताना कि क्या मेरी ये टीम सही है, इन लोग को मुझे देना चाहिए वो आइटम्स, वो टीएम तो बता देना, या तो कोई और पोकेमॉन भी पकड़ सकता हूँ मैं, बस तुम लोग बता दो. और इधर पोकेमॉन सारे तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ. सो बेसिकली सीन क्या था, कोगा ने हमें दिया और फिर हम लोग वार्डन के पास गए, उसका दांत निकाले, फिर वो कुछ बोल ही नहीं पाया, सो हम लोग काफ़ी ईजिली आ गए. या तो सफारी जोन काफ़ी बड़ा है, इसीलिए बार बार वो डिंग डोंग होके हमें बाहर फेंक देता है, पर अब हम लोग आराम से घूम सकते हैं लिटरली. सो वेल, चलो चलते हैं आराम से. और आई थिंक सही जा रहा हूँ मैं अभी तो. ओह, इधर जहाँ तक मुझे याद है एक पोकेबॉल रहता है, आज नहीं है. अच्छा इधर है, ठीक है. इधर यार बहुत आइटम्स मिलते हैं, अगर तुम लोग कभी भी पोकेमॉन कांटो का गेम खेलो ना, तो इधर ज़रूर से आना, इधर तुम्हें काफ़ी आइटम्स मिल जाएंगे. फिलहाल तो मुझे मस्त मिल गए सारे स्टोन्स. अब मैं सोच रहा हूँ कल अपने वीडियो में इवॉल्व करूँगा, कल या नेक्स्ट एपिसोड कभी भी आए इवॉल्व कर दूँगा. फिलहाल तो ये कौन है, रायहॉन की ऐसी तैसी. फास्ट फॉरवर्ड में करते हैं और चलते हैं, जाएँ कहाँ मैं रास्ता ही भूल गया शायद, पर ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि आराम से घूमेंगे, कुछ दिक्कत ही नहीं, क्योंकि बजर तो बजने नहीं वाला. और आई थिंक हम लोग आ गए, बस इधर से जाना है और फिर आ गए, मुझे याद है. वो ये बंदा क्या कर रहा है. हे मैन ड्यूड, आई एम लुकिंग फॉर सम गोल्ड, गोल्ड इज़ सो स्पार्कलिंग नाइस जस्ट लाइक योर सोल मैन, हैव यू गॉट एनीथिंग गोल्डन मैन, आई एम सक यू, आई मीन आई एम पे एनीथिंग यू वॉन्ट मैन. ओ ड्यूड दोस्त तीत, ले ले यार सोने का दांत है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है. ओ 5000 में दे दे यार, 5000, वैसे और देना चाहिए था, पर कोई ना, ज़्यादा लालची नहीं होंगे. ले ले यार, खुश हो जा दांत लेके, हालांकि थोड़ा गीला भी हो सकता है दांत वार्डन से निकालें, पर कोई ना, चलो हम लोग चलते हैं अंदर. हेलो सर, अब हमें दो. कॉन्ग्रेचुलेशन यू रीच द सीक्रेट हाउस इन ऑर्डर. अरे हमें एक प्राइज नहीं चाहिए, हमें पूरा प्राइज चाहिए. चल निकल. यू नो वॉट इज़ वंडरफुल प्राइज इज डोंट यू. अरे मुझे ये नहीं चाहिए. नो नो, ओनली वन HM पर कॉन्टेस्टेंट. हमें सारे दे यार. हे हे, आई सेड ओनली वन, इट्स द रूल्स. ओके आई कांट. ऑल राइट, हैव इट योर वे, द वार्डन सेड नॉट गो इजीली. ओके चलो आ जाओ यार, चीटर्स बोलता है यार हमें,
अब तेरे को बताता हूँ ये चीटर की पावर। रायहॉन आए या कोई भी आए यार, मेरा सही है। मेरे तुम लोग देखोगे ना, लिटरली मेरे ऑलमोस्ट सारे पोकेमोन ये क्या बोलते हैं स्टोन की मदद से ही इवॉल्व हुए, बस फ्यूरो को छोड़ के। बाकी सारे पोकेमोन स्टोन की मदद से इवॉल्व होंगे। अभी कुछ पोकेमोन बचे हैं पर ठीक है। और कौन सा पोकेमोन आ रहा था? ओके पिंसर, ठीक है इसको भी मार दिया। और इसके साथ ये चला गया, निकल तेरी ऐसी तैसी। यार पैसा कितना कम दिया, 132, कितना कंजूस है। स्टील अ पोकेमोन क्या है यार, इसके पास पोकेमोन कौन से हैं? फालतू पोकेमोन से, चलो पिंसर चुरा देते हैं। जब से मैं बड़ा आदमी बना हूँ ना, किसी के पास अच्छे पोकेमोन ही नहीं रहते। यू चीटिंग डिसरिस्पेक्टिंग लिटिल, ओ डैन इट ऑल, व्हाई डिड इट हैव टू बी मी दैट गॉट द बैंटेड। ओके हमने पूरा बॉक्स चुरा लिया, ये बोई मजा आ गया। आई बेट यू आर रियली हैप्पी नाउ आरंट यू, फॉर क्रिस सेक्स वॉट शुड यू पॉसिबल नीड द एंटायर बॉक्स। चल यार निकल, अब मेरे को जाने दे, मुझे एक और प्राइज़ मिलने वाला है। यार आज हमने 3 मिशन किया, आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई पर कोई ना यार, चलता है यार। क्योंकि तुम लोग को भी मेन मिशंस देखने, तो मेन मिशंस के लिए पहले साइड मिशंस जल्दी तो कंप्लीट करने ही पड़ेंगे, तभी तो देख पाओगे। अब चलो सीधा उससे बात करते, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। जिम लीडर से बात करते, कोगा से। वैसे तुम लोग ने एक चीज़ गौर किया, एल्टी सर्च और ये क्या नाम है कोगा, ये लोग भी काइंड ऑफ मिले हुए हैं इससे, टीम रॉकेट से। मतलब यार जिम के साथ इनका ये बिजनेस है, काफ़ी गंदे बंदे यार। तो चलो कोई ना, हमें क्या, हमें तो पैसों से मतलब है। ठीक कोगा जल्दी दे। अरे यार इसका कंफ्यूजिंग लगता है, पर अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो इसकी पजल आराम से सॉल्व कर लोगे। ओ माय यू ब्रॉट इट फॉर मी रॉकेट, चलो एजम्स तो दे दिया, अब तू भी मुझे कुछ देगा। हाउ कैन आई रीपे यू फॉर सच एन एक्ट ऑफ सर्विस रॉकेट। फो 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 वाई आई नो जस्ट द थिंग, थॉट नकल्ड क्रिमिनल्स लाइक योर सर आई कैन प्रोवाइड यू विथ योर वेरी ओन इन सीक्रेट आइडेंटिफाई वन डैट फ्रीज यू फ्रॉम द जजमेंट एंड द हैट्रेट ऑफ द पीपल, वन डैट कुड ग्रांट यू एंट्री टू एनी जिम लाइक माइंड हैज एनी अदर ऑफिशियल ट्रेनर्स। हाउ डज सच एन आर्गुमेंट साउंड। फा 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 द मास्टर ऑफ कॉन्केमेंट एंड दिस गाइज हैज़ यू कवर्ड फ्रेंड्स, टेक दिस विल यू एंड यूज इट वेल। ट्रेनर कार्ड, इससे क्या होगा वैसे? फा 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 विद दिस मास्टर फुली क्राफ्टेड ट्रेनर कार्ड यू कैन चैलेंज एनी जिम, हम लोग कोई भी जिम को चैलेंज कर सकते हैं। पर हैप्स यू शुड लाइक टू वेट अंटिल यू हैव रैंक एंड पावर इन योर अंडरवर्ल्ड टू स्टील अ जिम लीडर्स पोकेमोन। फा 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 द चॉइस इज योर रॉकेट। और नाइस, हम लोग अब टीम रॉकेट को चैलेंज कर सकते हैं, पर हमें उससे पहले थोड़ा और प्रमोशन मिलना चाहिए। यार एग्जीक्यूटिव से लंबा कौन सा प्रमोशन है, ये कौन सा प्रमोशन है अब पता नहीं, पर चलो कोई तो होगा प्रमोशन। फिलहाल तो यार मज़ा आ गया, अब जैसे ही मुझे नेक्स्ट प्रमोशन मिलेगा मैं तो जाऊंगा सीधा जिम को चैलेंज करेंगे और मस्त मज़े करेंगे। फिलहाल तो यार आज की वीडियो अच्छी लगी ना तो ज़रूर से लाइक करना, लाइक का टारगेट है 12 लाइक्स का, फटाफट से कम्प्लीट करो। और डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ फॉलो कर लो अगर तुम्हें मेरे साथ बात करनी या कोई गेम्स खेलने। फिलहाल तो सब्सक्राइब कर लो, हमें 1K करना है, हम लोग बहुत करीब है। बाकी मिलेंगे ऐसे कमाल की अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।